नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और विवादों का साथ काफी पुराना है। विश्वविद्यालय की पोल खोलने के लिए बीच बीच में वीडियो भी वायरल होते रहते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार किसी भी मामले में सफाई देता नजर आता है। दरअसल एक महीने पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक छात्र की पिटाई कर दी गई थी, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें छात्र की गुंडई साफ देखने को मिल रही है। यूनिवर्सिटी परिसर में एक हिंदू छात्र से मारपीट का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। वहीं अब इस मामले में ज्यादातर आरोपियों की गिरफ्तारी की भी बात कही जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल होने के मामला अब गर्मा गया है। आरोप है कि एएमयू के छात्रों ने हॉस्टल में ले जाकर हिंदू युवक की पिटाई कर दी है, जिस पर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वसीम अली की ओर से सफाई भी दी गई है। प्रोफेसर वसीम अली ने कहा है कि ये वीडियो एक महीने पहले का है। इस छात्र को बाहर से आए कुछ लोगों ने पीटा है। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कोई यूनिवर्सिटी का छात्र शामिल है या नहीं। एमयू के प्रोफेसर वसीम अली ने कहा है कि छात्र को बाहर से आए कुछ लोगों ने पीटा है। घटना के एक महीने के बाद ये वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने भी इस वीडियो में संज्ञान लिया है। ज्यादातर आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी इस मामले में एक 3 सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया है, जो ये पता लगाएगी कि ये घटना कैसे हुई और क्या इसमें यूनिवर्सिटी का कोई भी छात्र शामिल है या नहीं। जानकारी के अनुसार एमयू में छात्र की पिटाई का मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब करणी सेना ने इस मुद्दे को उठाया था। करणी सेना ने आरोप लगाया है कि एमयू के छात्रों ने हिंदू युवक की हॉस्टल में पिटाई की और फिर उससे जूतों पर नाक रगड़वाई है। आरोप है कि वायरल वीडियो में एमयू छात्र नेता फरहान जुबैरी भी दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद बवाल मच गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 151 की कार्रवाई की है, जिस पर करणी सेना ने खाना पूर्ति करने का आरोप लगा दिया है। बता दें कि वायरल वीडियो को लेकर करणी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने कहा है कि एएमयू कैंपस में एक गरीब की बेरहमी से पिटाई की गई है। वीडियो में कुछ छात्र उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। उन्होंने इस घटना को बेहद ही शर्मनाक बताया और कहा कि युवक के साथ जैसा व्यवहार किया गया है वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। तो जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। करणी सेना इस घटना को बेहद ही शर्मनाक बता रही है। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वसीम अली की ओर से इस मामले पर सफाई भी दी गई है और कहा जा रहा है कि एक 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है, जो ये पता लगाएगी कि ये घटना कैसे हुई और क्या इसमें यूनिवर्सिटी का कोई भी छात्र शामिल है या नहीं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।